हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के एनसीएल माइनिंग तथा सर्वे क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक अलग टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में हम नोबेल प्राइज 2022 का जो फैक्ट्स हो सकता है, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है वो आपके एग्जाम में, वो आज इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम जो है इस वीडियो में स्टैटिक और करंट दोनों ही कवर कर लेंगे, है ना। ये देखो, नोबेल प्राइज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका स्टैटिक पोर्शन भी आ सकता है और करंट से भी आ सकता है ना। नोबेल प्राइज किसको मिला 2022 में या 2020 में, किसको मिला, किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला, है ना। पहला नोबेल प्राइज किसको मिला है लिटरेचर के फील्ड में और इस तरीके से साइंस के फील्ड में, मेडिसिन, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। इस वीडियो में हम वो चीज पूरा देख लेंगे। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, चलिए। ओके, तो कुछ बेसिक चीज है जिसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद जो है फटाफट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, नोबेल प्राइज 2022 लिखा है। नोबेल प्राइज इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन इट्स कैटेगरी। सबसे पहले बात अगर हम बात करें कि देखो, ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। इट वॉज फर्स्ट अवार्डेड इन 1901, ठीक है। तो सबसे पहली बार जब इसको अवार्ड किया गया 1901 में, ठीक है। अब यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि 1901 में जो इसको स्टार्ट भी किया गया और पहली बार इसको अवार्ड भी किया गया 1901 में। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नोबेल प्राइज जो है दिया जाता है किस किस फील्ड में। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन बोल लो, या लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स में दिया जाता है बेसिकली। तो नोबेल प्राइज इज गिवन इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ओके, नोबेल प्राइज की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इन्वेंट करा गया था। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, नोबेल प्राइज आर जनरली अवार्डेड एनुअली इन द कैटेगरी एज फॉलोइंग। नोबेल प्राइज को जनरली 6 कैटेगरी में दिया जाता है, केमिस्ट्री के फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स और मेडिसिन के फील्ड में। तो यहाँ से क्वेश्चन एक ये आ सकता है कि चार ऑप्शन देगा, बोला कि नोबेल प्राइज किस किस फील्ड में नहीं दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में ये आपसे पूछे किस फील्ड में नहीं दिया जाता है, अगर ये 6 ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, इसको छोड़ के कुछ और लिखा हो, जैसे म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, है ना, या फिर आपको हो गया डांस हो गया, या ऐसे करके कुछ भी हो गया, कुछ अलग, मतलब ये 6 को छोड़ के कुछ भी अलग दे सकता है और कहेगा कि बताइए इसमें से कौन सा नोबेल प्राइज जिसमें नहीं दिया जाता है किस फील्ड में, तो आपको जो है वही लगा देना है, ठीक है। अगर केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, मेडिसिन नहीं दिया है तो फटाफट जो है लास्ट ऑप्शन बचता है वही लगा दीजिए। ओके, ये समझ लो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, केमिस्ट्री जो है डिसाइड किया गया किसके द्वारा, रॉयल स्वेडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। इकोनॉमिक्स भी सेम चीज, लिटरेचर की बात करेंगे तो स्वेडिश अकेडमी के द्वारा इसको भी डिसाइड किया गया। क्यों स्वेडिश लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये अल्फ्रेड नोबेल की जब बात करेंगे तो ये स्वेडिश ही थे, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नोबेल प्राइज आर वर्ल्डली रिगार्डेड एज द हाईएस्ट प्राइज इन द वर्ल्ड टुडे। तो हाईएस्ट प्राइज बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में, इसको माना जाता है नोबेल प्राइज की बात करें। अब हम बात करेंगे अल्फ्रेड नोबेल थे कौन। तो अल्फ्रेड नोबेल वाज बोर्न ऑन 21 अक्टूबर 1833 इन स्टॉकहोम, स्वीडन। ही वाज अ केमिस्ट, इंजीनियर एंड इन्वेंटर। अच्छा, मतलब कुछ बचा नहीं है, ये केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे। अब ये अल्फ्रेड नोबेल तो आप समझ ही गए होगा ना कि इनके बारे में जिक्र क्यों हो रहा है, क्योंकि यही जो है नोबेल प्राइज के क्या है, आविष्कारक है, ठीक है, इन्वेंटर है, याद रखिएगा इसको। तो अल्फ्रेड नोबेल कब जन्म हुआ, 1833 में, याद रखना इसको। कहाँ पे हुआ, स्टॉकहोम, स्वीडन में, स्वीडन के हैं ये, याद रखिएगा। केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इन्वेंटर भी थे। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय अल्फ्रेड नोबेल एंड ही इज द फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज, ठीक है। तो नोबेल प्राइज के ये फाउंडर अल्फ्रेड नोबेल, सबको पता है। तो इन्होंने क्या इन्वेंट करा था, तो याद रखिएगा डायनामाइट, क्या इन्वेंट करा था, डायनामाइट, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपसे ये पूछ सकता है कि नोबेल प्राइज जो है इंस्टीट्यूट किया गया था किसके द्वारा, स्वीडन के द्वारा, ठीक है, स्वीडन के द्वारा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपना सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे नोबेल प्राइज लॉरेट, यहाँ पे देखेंगे हम किसको किसको मिला है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आपको मतलब पढ़ना ही है, जानना ही है। नोबेल, द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस वॉज अवॉर्डेड रगनार फिस्ट एंड जैन टिम्बरगन इन 1769। तो पहला नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंस में जिसको मिला है वो ये है रगनार फ्रिश और जैन टिम्बर जैन, जिनको 1969 में मिला था। उसके बाद दूसरा हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फिजिक्स में जिनको मिला है वो है विलहेम रॉन्टेगन, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे एंड फिलिप लेनार्ड वर्क ऑन कैथोड रे। तो ये देखो फिजिक्स में जिनको मिला है वो कौन है, विलहेम रॉन्टेगन। ये देखो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये आया था एग्जाम में। तो डिस्कवरी ऑफ एक्सरे अगर पूछे तो किसने डिस्कवर किया, तो विलहेम रॉन्टेगन लगाओगे आप, ठीक है। और ये इस पे मत जाना नाम पे, ये बड़ा अजीब नाम है, तो ये तो हो ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। ये जितने भी अजीब नाम वाले हैं ना, बिल्कुल इनको याद रखना है आपको, विलहेम रॉन्टेगन, याद रखिएगा। एक्सरे की डिस्कवरी इन्होंने करा,
उसके बाद कैथोड रेस की बात करते हैं, इस पे काम करा किसने, फिलिप लेनार्ड ने। ओके, इनको मिला, इन दोनों को मिला है नोबेल प्राइज, पहला नोबेल प्राइज फिजिक्स में। आते हैं नेक्स्ट मेडिसिन, द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन वॉज अवॉर्डेड टू जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट एमिल वॉन बेहरिंग। तो एमिल वॉन बेहरिंग को जो मिला है मेडिसिन में फर्स्ट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, ठीक है, ये जर्मन के माइक्रो बायोलॉजिस्ट थे, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में जिनको पहला नोबेल प्राइज मिला है वो किनको मिला है, जैकोबस एच वैंटहॉफ, ठीक है, याद रखेंगे इसको, जैकोबस एच वैंटहॉफ, ठीक है। तो ये बस एक बार देखना आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, इसमें ज्यादा वैसा वाला बात नहीं है। और ज्यादातर इससे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन ये आता है कि कुछ भारतीय इंडियन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको अगर नोबेल प्राइज मिला है तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आगे हम इसको चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखो पीस बच गया, अभी लिटरेचर बच गया, दो देख लेते हैं। द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन पीस वाज अवार्डेड जॉइंटली टू जीन हेनरी डुनंट, ठीक है, जीन हेनरी डुनंट को मिला है पहला नोबेल प्राइज पीस में। ओके, ये कौन है, जीन हेनरी डुनंट, डुनंट की बात करें तो फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट, इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फाउंडर को मिला है नोबेल फर्स्ट पीस प्राइज, ठीक है। अच्छा, इसकी जब हम बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस, इसको जो है समझ लो आप 3 बार मिल चुका है नोबेल पीस प्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो एंड पैसिफिस्ट फ्रेडरिक पैसी फाउंडर ऑफ पीस लीग, तो ये दोनों को जो है पहला पीस नोबेल पीस प्राइज मिला है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है नोबेल पीस प्राइज इन लिटरेचर, लिटरेचर में इनको मिला है पहला, वो कौन है, सुली प्रुधोमी, ठीक है, सुली प्रुधोमी जो है इनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में। तो इतना बेसिक जानकारी था जो हमने फर्स्ट देखा कि पहला जो नोबेल प्राइज मिला है वो कौन थे, जिसमें से आप देख पा रहे हो इसमें कोई भी भारतीय नहीं, ठीक है, ये समझ में है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ इंडियन नोबेल प्राइज लॉरिएट, यहाँ पे देख पा रहे हो नोबेल प्राइज विनर में भारतीय के हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो नोबेल पीस प्राइज, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो 1913 में इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला, ठीक है, लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला इनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में, किसके लिए मिला था, इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कलेक्शन था गीतांजलि के लिए जो कि पब्लिश हुए लंदन में 1912 में, ठीक है, उसके लिए इनको मिला था, तो याद रखिए गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सर चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने किसका डिस्कवरी किया था, रमन इफेक्ट का डिस्कवरी किया था, ठीक है, तो इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला 1930 में, तो इनको शॉर्ट में सीवी रमन भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा सीवी रमन। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आगे बढ़ेंगे। हर गोविंद खुराना 1968 में इनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट है मदर टेरेसा 1979, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, नोबेल पीस प्राइज मिला था, आप सभी जानते हो मदर टेरेसा बहुत ही ज्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था, मतलब 30 साल पहले क्या हुआ था कि मदर टेरेसा ने कलकत्ता के एक रोमन कैथोलिक गर्ल्स स्कूल था वहां पर उसने अपना शिक्षक पद यानी कि जो टीचिंग पोस्ट थी ना उसको छोड़ दिया था, ठीक है, ताकि वो जो अपना बाकी जीवन है उस शहर के जो पुअर या फिर ये कह लो कि पुअरेस्ट या फिर समझ लो कि बहुत ज्यादा गरीब बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में लोग गरीब लोगों के बीच काम करके समर्पित करना चाहते थे अपना पूरा जीवन, इसलिए जो है इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला फिजिक्स में, ठीक है, 1983 में क्या मिला, नोबेल पीस प्राइज फिजिक्स में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। यहाँ पर चंद्रशेखर वेंकट रमन में कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में मिला इनको, 1930 में इनको मिला फिजिक्स में और 1983 में मिला फिजिक्स में इनको सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। तो अमर्त सेन की बात करेंगे तो इनको तो इकोनॉमिक्स में मिला, कि इकोनॉमिक्स थे अमर्त सेन, तो 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, तो 2001 में नोबेल प्राइज मिला इनको लिटरेचर के फील्ड में, ठीक है, याद रखिएगा सूरज प्रसाद नायपॉल, ये याद रखना है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं वेंकट रमन रामाकृष्ण, वेंकट रमन रामाकृष्ण 2009 में इनको मिला नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में मिला, तो ये केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया था, ठीक है, वेंकट रमन रामाकृष्ण 2009 में। नेक्स्ट आ जाते हैं कैलाश सत्यार्थी, 2014 में मिला इनको नोबेल पीस प्राइज, तो बहुत ही मजा आया इस समय, नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको कैलाश सत्यार्थी जी को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेसिकली 2014 में जो है इनको जैसे कि आप जान पा रहे हो मलाला यूसुफ जाई के साथ इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल करा था, मतलब जो वो बच्चे जिनको सप्रेस कर दिया जाता है या फिर यंग पीपल्स को जिनको सप्रेस कर दिया जाता है और अपने मतलब राइट टू एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं उनको लिए काफी ज्यादा इन्होंने आवाज उठाई थी, इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल करा था। तो कैलाश की बात करें कैलाश सत्यार्थी जी की, तो इन्होंने पूरा डेडिकेट कर दिया, जो इनका पूरा इंटायर प्राइज का पैसा था ना बच्चों के राइट्स के लिए, इन्होंने सारा इंटायर पैसा जो है उसमें लगा दिया, ठीक है, उनको डेडिकेट कर दिया एक तरीके से देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं अभिजीत विनायक बनर्जी, 2019 में इनको नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में, ठीक है, अभिजीत विनायक बनर्जी,
नाम याद रखना चाहिए आपको, कम से कम नाम याद रहेगा तो आप इसको कर ले जाओगे, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं फर्स्ट फीमेल नोबेल लॉरेट। अब फीमेल की बात कर लेंगे तो फीमेल नोबेल प्राइज विनर तो फिजिक्स में मैरी क्यूरी को मिला, सबको पता है फ्रांस में 1903 में मिला। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा फिजिक्स मैरी क्यूरी लिखा है, राइट, फ्रांस 1903। तो यहाँ पे जो है इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ इसको साथ में जो है स्टडी करा था, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन का डिस्कवर किया गया था बैकरेल के द्वारा। तो इनको हाफ मतलब ये प्राइज अवार्ड किया गया था, लेकिन जब 1911 में इनको केमिस्ट्री में मिला, मैरी क्यूरी को 1911 में इनको सेकंड नोबेल प्राइज से नवाजा गया, ठीक है। तब इस समय इन्होंने जो काम किया था वो रेडियो एक्टिविटी पे करा था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिसिन की बात कर लेंगे, तो जर्टी थेरेसा कोरी इनको मिला है मेडिसिन के फील्ड में, फर्स्ट फीमेल नोबेल प्राइज जाएंगे मेडिसिन के फील्ड में। नेक्स्ट है लिटरेचर के फील्ड में सेल्मा ओटिलिया लोविसा लेगर ऑफ इनको मिला है लिटरेचर के फील्ड में, ठीक है। अब फीमेल नोबेल प्राइज बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडियन लिखा हो, ठीक है। तो ये याद रखेगा फर्स्ट फीमेल लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज मिला है वो सेल्मा ओटिलिया लोविसा है, ओके। पीस की बात करें नोबेल पीस प्राइज फर्स्ट फीमेल नोबेल पीस प्राइज इनको मिला बर्था वॉन सुटनर को, ठीक है, ऑस्ट्रिया बोहिमिया 1905 में इनको मिला है, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है, ऑस्ट्रिया बोहिमिया की, और ये कहाँ की थी सेल्मा ओटिलिविया, ये स्वीडन की थी, ओके। नेक्स्ट इकोनॉमिक की फील्ड में देखेंगे, पहली फीमेल नोबेल प्राइज इनको मिला इकोनॉमिक्स के फील्ड में वो है एस्थर डफलो, ठीक है। एस्थर डफलो को मिला अमेरिकन फ्रेंच है, ये 2019 में मिला इनको, ठीक है, 2019 में। आगे बढ़ते हैं यंगेस्ट नोबेल लॉरेट की बात करेंगे, देखो तो वो है मलाला यूसुफ जई, इनकी स्टोरी मैंने बहुत बार बताई है आपको, ठीक है। तो नोबेल पीस प्राइज इनको 2014 में मिला, 17 साल की उम्र में, ठीक है, 2014 में। तो यूसुफ जई की बात करते हैं इनको नोबेल पीस प्राइज क्यों मिला, ताकि क्योंकि इन्होंने जो है वो हर बच्चे के लिए जो अपना एजुकेशन नहीं जिन जो ले पाते हैं या उससे वंचित रह जाते हैं, तो उनके लिए काफी ज्यादा स्ट्रांग इन्होंने एक स्ट्रगल करा है, बहुत फाइट करा है ना। तो जैसे कि आप सभी पता है कि कहाँ पे जन्म ली थी, पाकिस्तान के स्वात वैली में, ठीक है। अब इसमें इस्लामिक तालिबान मूवमेंट जब चला था तो इन्होंने जो है पूरा कंट्रोल ले लिया था उस वैली का, 2008 की बात है। तो वहां पे गर्ल्स स्कूल को जला दिया गया था, तो उसी समय इन्होंने काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही लीडर होके वहां पे खड़ी रही, डटी रही, और इन्होंने तालिबानी लोगों ने इनको साइड पे जो है गोली भी चलाई थी, साइड से निकल गया था, बट मतलब छू के निकल गया था बेसिकली देखा जाए तो काफी ब्रेवरी का काम किया इन्होंने, बच गई वो, लेकिन ये जो ब्रेव जो इन्होंने दिखाया है ना वो बहुत बड़ी बात है। नोबेल पीस प्राइज इनको मिला मलाला यूसुफ जई को, ओके, 2014 में नोबेल पीस प्राइज। नेक्स्ट ओल्डेस्ट नोबेल लॉरिएट, अब ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज विनर देखेंगे तो जॉन बी गुडेनफ, ठीक है, इनको मिला था केमिस्ट्री के फील्ड में 2019 में, 97 इयर्स के थे, ओके, जॉन बी गुडेनफ, तो ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 2019 में इनको मिला। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें लिखी है इसको जान लो, हु अकॉर्ड्स द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज को कौन अकॉर्ड्स करता है, देखो यहाँ रॉयल स्वेडिश अकेडमी साइंस है, ये जो है अकॉर्ड्स करते हैं नोबेल प्राइज को किस फील्ड में, फिजिक्स केमिस्ट्री और लिटरेचर के फील्ड, ठीक है, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था। तो नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी अकॉर्ड द नोबेल पीस प्राइज, नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी जो है वो नोबेल पीस प्राइज को अकॉर्ड करते हैं। तो मेडिसिन की फील्ड में जो है नोबेल असेंबली है, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट ये अकॉर्ड करते हैं इसको, ठीक है, और स्वेरिंग्स रिस्बांग अकॉर्ड द नोबेल पीस नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लो। अब हम आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं इसका, स्वेडिश केमिस्ट अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ये हिस्ट्री चाहो तो पढ़ सकते हो आप, ज्यादा वैसा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने लिख दिया ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन ना हो, ये बस को देख लेना, ठीक है। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो आफ्टर 67 ईयर स्वेडन सेंट्रल बैंक विद डोनेशन फ्रॉम अ नोबेल फाउंडेशन एस्टैब्लिश द स्वेरिज रिस्बांग प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल इन 1960। तो स्वेरिज रिस्बांग प्राइज जो है इकोनॉमिक साइंस में दिया जाता है, तो ये याद रखिएगा इनके याद में अल्फ्रेड नोबेल की। अब हम 2022 का जो है नोबेल देख लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो नोबेल प्राइज फिजिक्स के फील्ड में किसको मिला है 2022 का, तो एलन एस्पेक्ट, किसको मिला एलन एस्पेक्ट, और किसको मिला जॉन एफ क्लॉजर, और किसको मिला एंटोन जेलिंगर, ठीक है। तो एस्पेक्ट क्लॉजर तरीका बता रही हूँ आपको, रट लो बिल्कुल, एस्पेक्ट क्लॉजर और जेलिंगर, ठीक है। जब हम फिजिक्स की बात करेंगे तो हमें ये तीन हमारे मुंह पे रटा होना चाहिए, एस्पेक्ट क्लॉजर जेलिंगर, कैसे, एस्पेक्ट क्लॉजर जेलिंगर, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लो, क्योंकि देखो इनका नाम आपको ऐसे अटपटे से होंगे, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा याद करने में, लेकिन जब आप इस तरीके से याद रखोगे आपके दिमाग में ये क्या होगा कि जब वहाँ पे क्वेश्चन में सामने आपके आएगा एमसीक्यू तो आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं भाई इसका तो यही आंसर है ना। तो एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जेलिंगर, ठीक है, पूरा नहीं याद कर सकते तो आधा आधा याद कर लो लास्ट का, एस्पेक्ट क्लॉजर जेलिंगर, ठीक है। तो प्राय फिजिक्स की फील्ड में किनको मिला है, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर को,
एंटोन जेरिंगर को मिला है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। अब हम जो बेस पूरा डिस्क्रिप्शन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इधर का डिस्क्रिप्शन नहीं पूछेगा आपसे कि एलन एस्पेक्ट को किस फील्ड में मिला, किस फील्ड के मतलब किस एक्सपेरिमेंट के लिए मिला इनको। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था इंटेंजल फोटोन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, एस्टैब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज एंड पैंडरिंग क्वांटम इन्फॉर्मेशन साइंस, इस पे जो है इन्होंने काम करा था बेसिकली। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, सारा ये देख लीजिएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया, क्या जाते जाते बता दूं, एस्पेक्ट क्लॉजर जेलिंगर फिजिक्स के फील्ड में। आप जाते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री के फील्ड में, केमिस्ट्री 2022 देखो नोबेल प्राइज मिला है किसको मिला है, कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टिन मेल्डेल और के बेरी स्टार्फ्लेश। तो कैसे याद रखोगे, बर्टोजी मेल्डेल मेल्डेल स्टार्फ्लेश, ठीक है, याद रहेगा, बर्टोजी मेल्डेल स्टार्फ्लेश, ठीक है। एक बार लिख भी लोगे ना कॉपी में तब भी याद हो जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको, बर्टोजी मेल्डेल स्टार्फ्लेश, ठीक है, केमिस्ट्री के फील्ड में कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टिन मेल्डेल, के बेरी स्टार्फ्लेश को केमिस्ट्री के फील्ड में मिला है। ओके, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि हो सकता है जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड टाइप का हो उसमें मिलते हैं। देखो इन्होंने तीनों ही फील्ड में, एक तीनों लोगों ने एक ही फील्ड में काम किया है, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के डेवलपमेंट की फील्ड में इन्होंने काम करा तीनों लोगों ने, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में देखेंगे तो स्वांति पाबो को मिला है, ठीक है, स्वांति पाबो को मिला है मेडिसिन की फील्ड में, ठीक है, पाबो, ठीक है। क्या डिस्कवर किया इन्होंने, कंसर्निंग जीनोम्स ऑफ एग्जिस्टिंग होमोमींस एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन और जो होमोमींस एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनके जीनोम को लेकर डिस्कवरी इन्होंने करा है, ठीक है, याद रखिएगा, मेडिसिन की फील्ड में। अब हम आ जाते हैं लिटरेचर के फील्ड में, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022 वो है एनी इनॉक्स, ठीक है, इरनॉक्स ने जो है लिटरेचर में क्या किया, नोबेल प्राइज जीता है, ठीक है, लिटरेचर के फील्ड में, याद रखेंगे इसको, इरनॉक्स, एनी इरनॉक्स, ओके, एनी इरनॉक्स, अच्छा ये याद रहेगा। आगे बढ़ जाए, अब देखो यहाँ पे फेरिक्स रिसबांग प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2022, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया कि रिसबांग प्राइज जो है मिला है इकोनॉमिक साइंस में, तो वो कौन कौन लोग हैं, बेन एस बर्नांके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डाइविग, ठीक है, यहाँ पे देखो लिख रही हूँ, बर्नांके डायमंड और डिगविग, ठीक है, डिबविग, तो ये बर्नांके डायमंड डिगविग ये इनको मिला है स्वेरिज रिक्सबांग प्राइज इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में, याद रहेगा, बर्नांके डायमंड और डिबविग्स, ओके। अब आ जाते हैं पीस प्राइज की बात करेंगे, लास्ट है ये देख लो, 2022 में जिनको मिला पीस प्राइज वो कौन है, एलिस बियालियास्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो एलिस बियालियास्की को मिला है, मेमोरियल को मिला है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी मिलता है पीस प्राइज, ठीक है, तो वो याद रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखना है इनको किनको मिला, एलिस बियालियास्की, यहाँ पे मेमोरियल, तो पीस प्राइज लॉरेट्स रिप्रेजेंट सिविल सोसाइटी इन देयर होम कंट्रीज, they have for so many promoted the right to criticize power and protect the fundamental rights of citizens, ठीक है, तो ये कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको मिलता है, तो वो आप देख पा रहे हो सोसाइटी को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, तो ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एलिस बियालियास्की लिखा हुआ है, तो ये सिविल सोसाइटी को प्रमोट करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है नोबेल प्राइज की बात के लिए, और जाते जाते आपको बता दूं कि पहले पाकिस्तानी जिनको नोबेल प्राइज रिसीव हुआ वो कौन थे, अब्दुल सलाम, ठीक है, अब्दुल सलाम, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है आपसे कि 69 में रिवाइज करवा रहे हैं, 1969 में मदर टेरेसा को, ठीक है, मदर टेरेसा को अगर आपसे पूछे कि पहले भारतीय जो जिनको नोबेल प्राइज मिला, तो याद रखिएगा किसको मिला, वो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है, याद रखिएगा, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला इनको, गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आया, हाँ, कोई दिक्कत इसमें, अच्छा चलिए, तो इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नोबेल पीस प्राइज 2020 का अगर पूछे तो आपको क्या लगाना है, UNWFP, यानी WFP की बात हो रही है, यानी वर्ल्ड फूड, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था 2020 में, ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने गजब का मतलब एफर्ट दिखाया था अपना हंगर से लड़ने के लिए, भूखमरी से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया था, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज है ना उनको काफी ज्यादा शांति वहाँ पे मिल सके, उनको काफी ज्यादा अपलिफ्ट किया जा सके, बेसिकली इनका ये बहुत ज्यादा एक वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का जो वीपन है उसको इन्होंने यूज करा ताकि हंगर को कम कर सके, प्रिवेंट कर सके, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है और ये कई बार आया भी है एग्जाम में, तो इसको बिल्कुल
याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो चलो फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आज का क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट क्लास।